Dear student, from today onward, I am discussing the subject MSPH213 Solid State Physics. Today, I am discussing unit number 4th, Ferromagnetism. Now, we consider 5 types of magnetic materials: diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic, antiferromagnetic, and ferrimagnetic. Diamagnetic. Diamagnetics वो material होते हैं जिसके अंदर कोई भी permanent dipole मोमेंट नहीं होता है और इसका मेटल के अंदर नेट बी इक्वल टू जीरो होगा और इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होगी वो नेगेटिव होती है। ये इस तरह के मेटल आपने यूनिट नंबर 3rd के अंदर पढ़े हैं जिनको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर के अंदर बी इक्वल टू जीरो होता है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी वो मेटल से एक्सपेल हो जाएगी, तो सुपर कंडक्टर जो होगा वो एक परफेक्ट डाई मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। ये एग्ज़ाम्पल जो है वो फॉलोइंग इस तरह से है। ये ऐसे मेटल होंगे जो कि ससेप्टिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मेटल्स विच पजेस परमानेंट डाइपोल इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर परमानेंट डाइपोल होंगे लेकिन जो परमानेंट डाइपोल जो होंगे वो रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इनके ऊपर फोर्स लगेगा और सारे के सारे जो डाइपोल है वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो जाएंगे। इस तरह के मेटेरियल जो है उनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इनकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो पॉजिटिव और स्मॉल होती है। और यहाँ पे जैसे एल्किल मेटल्स, सोडियम, टाइटेनियम, एलुमिनियम, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। थर्ड वन जो इम्पोर्टेंट मेटेरियल्स है जिनका नाम है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक्स आर दोज मेटेरियल्स विच पजेज स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक मेटेरियल के अंदर परमानेंट डाइपोल्स होंगे, चाहे आप इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें चाहे नहीं करें, और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अलाइन होते हैं। तो सारे के सारे मेटल जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो डाइपोल्स होंगे वो अलाइन होंगे और इसके कारण इसके अंदर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन होंगे। जो भी फेरोमैग्नेटिक मेटल्स होंगे उसके अंदर डोमेन्स क्रिएट होते हैं और इसकी ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो बहुत ही लार्ज होती है और पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एग्जाम्पल्स फेरोमैग्नेटिक के हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक्स वो मैग्नेटिक मेटल्स होते हैं जिसके अंदर जो डाइपोल का अरेंजमेंट होगा वो एक लेयर यहाँ पर पैरेलल है तो दूसरी जो लेयर है वो एंटी पैरेलल है। इसके कारण नेट मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो जीरो होगा। MNO, MNS, FEO और ये सारे मेटल एंटी फेरोमैग्नेटिक को बता रहा है। इसमें ससेप्टिबिलिटी स्मॉल और पॉजिटिव होगी। लास्ट वन मेटल जिनको बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक मेटेरियल। फेरी मैग्नेटिक मेटेरियल ऐसे मेटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर जो डाइपोल का अरेंजमेंट होगा वो एक दूसरे के ओपोजिट होगा, एक पैरेलल सीरीज दूसरी एंटी पैरेलल सीरीज। यहाँ पे जो अपवर्ड डाइपोल है उनका मैग्नीट्यूड यहाँ पे जो डाउनवर्ड डाइपोल है उनसे ज़्यादा होगा। इसके कारण इसके अंदर नेट मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं होता है। इसमें भी ससेप्टिबिलिटी लार्ज पॉजिटिव, और ये इसके एग्जांपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फेरोमैग्नेटिक्स, फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल्स आर दोज मेटेरियल विच हैज़ स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस प्रॉपर्टी विच रिप्रेजेंट बाय द मेटेरियल आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल। इट एग्जिबिट हिस्टेसिस कर्व, BH कर्व इज ऑल्सो रिप्रेजेंट, एंड द एरिया ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट लॉस ऑफ द एनर्जी। देर आर 5 टाइप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल: आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलियम, डाइनियम। दीज आर फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल एंड रेस्ट आर इंसुलेटिंग कंपाउंड। फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है जो कि परमानेंट डाइपोल के कारण यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, और ये इसके स्पिन ओरिएंटेशन से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट टॉपिक है वेज थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, वेज मॉलिकुलर फील्ड थ्योरी। लैंगविन थ्योरी जो थी जिससे आपने डाइमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक को एक्सप्लेन किया था, बट इट इज़ फेल्ड टू एक्सप्लेन फेरोमैग्नेटिज्म। और उसके बाद में एक साइंटिस्ट थी जिनका नाम है वेज, इन्होंने इसमें मॉडिफिकेशन किया और जो मॉडिफाइड लैंगविन थ्योरी है उसको 1907 के अंदर इन्होंने दिया। ये इंटरनल मॉलिकुलर फील्ड कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड थी। इसके यहाँ पे 2 एजम्पशन है। 1 एजम्पशन ये है कि यहाँ पर जो भी फेरोमैग्नेटिक मेटल्स होगा वो बहुत सारे छोटे स्मॉल रीजन में डिवाइड होगा, और स्मॉल रीजन को बोलते हैं डोमेन्स। तो कुल मिला के अगर आप बात करें तो डोमेन्स जो होंगे वो आपके इस तरह से बने हुए होंगे, इस तरह से अलग अलग लेयर्स बनी हुई है, और यहाँ पे जो डाइपोल होंगे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होंगे।
तो सारे जो डाइपोल है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं. तो ये जो स्मॉल रीजन है इसको हम डोमेन्स बोलते हैं. नेक्स्ट उसके बाद में अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं तो मॉलिकुलर मैग्नेटिक फील्ड विद इन ईच डोमेन्स, एक डोमेन्स और दूसरे डोमेन इनके बीच में जैसे दो डाइपोल हो गए. अगर मैं एक डोमेन की बात करता हूँ तो एक डोमेन के अंदर जो डाइपोल है उस डाइपोल एक डाइपोल दूसरे डाइपोल के साथ में एक फील्ड अप्लाई करता है जिसको बोलते हैं मॉलिकुलर फील्ड, और मॉलिकुलर फील्ड के कारण उनके बीच में एक इंटरनल मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होगा. सो यहाँ पर वेज ने ऑब्जर्व किया कि इंटरनल मॉलिकुलर फील्ड जो है दैट इज़ रिलेटेड टू मैग्नेटाइजेशन. इफ़ वी कंसिडर एच एम देन इट इज़ प्रपोर्शनल टू एम, प्रपोर्शनल टू कॉन्स्टेंट हटाने के बाद में एच एम इक्वल टू लेमड़ा एम. इस प्रकार नेट इफेक्टिव मैग्नेटाइजेशन फील्ड जो है वो एच ही, अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच और यहाँ पे मॉलिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एच एम, इन दोनों के एडिशन से मिलके बना हुआ है. तो यहाँ पर इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एच ही इक्वल टू एच प्लस लेमड़ा एम होगा. नेक्स्ट द क्वांटम थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म यूज बाय वेज. तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंसिडर कर रहे हैं, लेट अस कंसिडर ए फेरोमैग्नेटिक सॉलिड विच हैज़ एन नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड जे इज टोटल एंगुलर मोमेंटम. सो इट इज़ गिवन बाय लैंगविन थ्योरी. सो मैग्नेटाइजेशन कैन बी रिप्रेजेंट बाय एम इक्वल टू एन जी जे म्यू बी बी जे एक्स. एक्स इज रिप्रेजेंट बाय दिस इक्वेशन एंड बी जे इज कॉल्ड ब्रिलियन फंक्शन एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय बी जे. That function is called Brillouin function. You should remember this function and this equation. Now, the HE is called effective magnetic field. Now we apply the value of HE from equation number 2 to equation number 4. So we get the equation and after solving that we get equation number 5. So if we consider ferromagnetic material, then in the absence of there is a spontaneous magnetization. So if we consider H equal to 0, then the magnetization is related to MS and MS is called spontaneous magnetization. So this M is converted into MS and H equal to 0. So finally MS equal to XKT upon lambda G J mu B. So we get two equation, magnetization and that one is magnetization, both are depend on the x. So we can draw the curve between magnetization equation number 3 and equation number 6. The plot between m and x is looking like that. These all are the straight line and that curve is called Brillouin function curve and it is related to m equation number 3. So if we consider three different temperature T greater than TC, T equal to TC, T less than TC, then we get three straight line equation. अगर आप यहाँ पर देखें तो when T less than TC, तो यहाँ पे ये दोनों curve एक दूसरे को intersect कर रहे हैं. Intersect करने का मतलब है यहाँ पे spontaneous magnetization value को represent कर रहा है. अगर आप T लेस देन टी सी देखते हैं ग्राफ के अंदर, अगर नंबर वन देखें टी लेस देन टी सी, तो ये नॉन वैनिशिंग वैल्यू ऑफ एम को रिप्रेजेंट कर रहा है. आप एच की वैल्यू जीरो लेंगे लेकिन एम जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, जो कि स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन को बता रहा है. नेक्स्ट टी इक्वल टू टी सी, अगर आप यहाँ पर टी इक्वल टू टी सी लेते हैं तो उस केस में ये केवल एक टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये टेंजेंट है जो T इक्वल टू TC जो ट्रांजिशन टेम्परेचर को बता रहा है. T ग्रेटर देन TC इसके अंदर कोई भी स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन नहीं है, तो ये पैरामैग्नेटिक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ इफ वी सी दैट द वैल्यू ऑफ द X शुड बी लेस देन दिस कर्व, सो इफ वी कंसीडर द स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन अकर देन एक्स शुड बी वेरी वेरी लेस देन कम्पेयर टू वन. इसके अंदर एक्स की वैल्यू जो है वो वन से बहुत ही कम होनी चाहिए. अगर आप Brillouin फंक्शन लेंगे तो एक्स की वैल्यू आपको यहाँ से रिप्रेजेंट हो रही है इससे, और अगर आप यहाँ पे इस स्टेट लाइन कर्व को लेंगे तो एक्स की वैल्यू जो है वो इससे स्मॉल रिप्रेजेंट हो रही है. फॉर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन अकर इट इज़ नेसेसरी दैट द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन एट ओरिजिन शुड बी लेस देन द कर्व स्लोप, सो एक्स शुड बी वेरी वेरी लेस देन. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कर्व है इस कर्व का जो स्लोप है उसके कंपेरिजन में इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो स्मॉल होना चाहिए.
इक्वेशन नंबर 5 बिलियन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बिलियन फंक्शन है, इसके अंदर x वेरी वेरी लेस देन 1 लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो cot हाइपरबोलिक x को आप यहाँ पे रिड्यूस कर देते हैं, तो केवल दो टर्म आपने यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो आपको ये इक्वेशन फाइंड आउट होगी। उसके बाद बी जे एक्स जो है वो आपको 7 नंबर इक्वेशन फाइंड आउट होगी। अगर आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 को देखें, तो इक्वेशन नंबर 3 है एम जो आपकी ये इक्वेशन है, तो यहाँ से बी जे एक्स की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो आपको ये इक्वेशन जो 8 नंबर है वो फाइंड आउट हो गई। अगर आप इस 8 नंबर इक्वेशन को देखें, तो इट इज़ इक्वेशन बिटवीन एम एंड एक्स, एंड दिस पार्ट रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व, सो इफ वी कंसिडर द टेंजेंट ऑफ द कर्व देन दैट रिप्रेजेंट स्लोप एन जी म्यू बी जे प्लस वन एंड अपॉन थ्री, एंड दिस इज द स्लोप ऑफ द स्टेट दिस इज द स्लोप ऑफ द बिलियन फंक्शन कर्व एंड द दैट इज द स्लोप ऑफ द स्टेट लाइन, सो द स्लोप ऑफ द बिलियन फंक्शन शुड बी ग्रेटर दैन द स्लोप ऑफ द स्टेट लाइन एट टी लेस दैन टी सी केस, सो दैट इज द इक्वेशन। आफ्टर सॉल्विंग दैट वी गेट दिस कंडीशन एंड म्यू जे स्क्वायर इज कॉल्ड टोटल मैग्नेटिक मोमेंट पर एटम। फाइनली एट टी इक्वल टू टी सी, एट टी इक्वल टू टी सी बोथ स्लोप शुड बी सेम, तो यहाँ पर आपने इन दोनों को सेम कर दिया है, एंड फाइनली वी गेट वी रिप्रेजेंट टी इक्वल टू टी सी एंड वी कैन फाइंड आउट द टी सी वैल्यू बाय द इक्वेशन नंबर 9। नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड आउट क्यूरी वेज लॉ फॉर ससेप्टेबिलिटी, सो बाई इक्वेशन नंबर 8 एम इक्वल टू दिस एक्स इक्वल टू दिस वन इक्वेशन, सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ एच ई इन दिस इक्वेशन देन एक्स इज रिप्लेस इन दिस इक्वेशन। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वी गेट द इक्वेशन। अब उसके बाद में यहाँ से एम को आपने लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, एम को कॉमन ले लिया आपने। उसके बाद में यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी को फाइंड आउट करना है। ससेप्टिबिलिटी कैन बी रिप्रेजेंट बाय मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड, काई एम इक्वल टू एम बाय एच, एम बाय एच का आपने रेशियो निकाला, उसके बाद इसको फाइंड आउट कर दिया है। नेक्स्ट उसके बाद में यहाँ से आपने टी को नीचे ले लिया और टी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पर जो ऊपर वाला फैक्टर है वो सी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला जो फैक्टर है वो लेमडा सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड इट इज़ रिलेटेड टू टी सी एंड इट इज़ कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर, सो वी गेट काई एम इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस टी सी एंड दिस इज़ कॉल्ड क्यूरी वेज लॉ फॉर द फेरोमैग्नेटिज्म। ये लेमडा की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो टी लेस देन टी सी के ऊपर मेटेरियल फेरोमैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा, टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी सी पर जो मेटेरियल होगा वो पैरामैग्नेटिक मेटेरियल बन जाएगा। क्यूरी वेज लॉ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये एग्ज़ाम में लगभग हमेशा ही पूछते हैं, तो इसको आपको अच्छे से रिमेंबर करना है। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के अंदर आ रहा है तो आपको यहाँ पर रिड्यूस बिलियन फंक्शन को यूज़ करना है, बिलियन फंक्शन को यूज़ करने के बाद में उसकी रिड्यूस वैल्यू पुट करके ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और उसके बाद डायरेक्टली इसको सॉल्व आउट करना है। सो टुडे वी हैव डिस्कस द वेज मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक एंड क्यूरी वेज लॉ। आई होप यू लाइक इट। स्टे होम, लिव सेफ, कीप डिस्टेंसिंग एंड रिमूव द कोरोना। थैंक्स। नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।